Today we have to see in our topic the pistil, gynoecium we can say, female part of the flower. We have seen in the angiosperm there is male part and female part. The male part we have seen yesterday. What we have seen in that pollen grain where that forms male gametophyte. So today we have to see the pistil of hibiscus, China rose. All of you know this. The pistil of hibiscus we have to see. See here, the pistil of hibiscus. All of you getting this? Yes. So in this pistil, all parts are removed. Only just this gynoecium or pistil, female part is here. Anther and other floral parts have been removed. Okay, only female part is here. And when we see this pistil, that is having the three parts. The upper part is called stigma. And this is the platform for the pollen grain. Pollen grain kahan fall hote hai? Stigma pe fall hote hai. Aur is part ka Hindi mein kya kehte isko? Stri keshar. Kal jo dekha antar part usko pung keshar. Aur ye kya hai? Stri keshar. To isme पोलन ग्रेन फॉल होते हैं स्टिग्मा पार्ट पे. स्टिग्मा अलग अलग साइज का होता है, अलग अलग कलर का, उसके शेप्स फिदरी होता है, हेयरी. दैट इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू सी द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स. एंड रियली वी आर हैप्पी हियर, वी आर इन द नेचर एंड लर्निंग दिस फ्लावरिंग प्लांट्स टॉपिक. यू आर एंजॉइंग दिस और नॉट? यू आर गेटिंग द साउंड ऑफ बर्ड्स ऑल्सो? दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल ट्यूब एंड लास्ट ओहरी. दिस इज द पार्ट इन साइड दैट द फीमेल गैमेटोफाइट इज प्रेजेंट. ओहरी इज हैविंग द ओहरियन फॉलिकल्स एंड दैट ओहरियन फॉलिकल्स कंटेन्स द प्लेसेंटा. ओके, इन साइड दैट व्हाट हैपन्स इन डिटेल दैट वी हैव टू सी इन द नेक्स्ट डायग्राम. एंड ओहरी इज सिचुएटेड ऑन दिस थैलेमस पार्ट. ओके, ऑल ऑफ यू गॉट दिस? This is the different parts of the gynoecium or pistil. Now see here, whatever the female part carpel, that may be unicarpillary or multicarpillary. कुछ plants में, flowers में carpel ए सिंगल ही है तो उसको क्या कहेंगे? Unicarpillary. और ज्यादा many carpel है तो उसको क्या कहेंगे? Multicarpillary. तो इधर जो example दिया है ये multicarpillary है. किसका है ये? पैपावेर सोमनीफेरम. पिस्टिल ऑफ पैपावेर सोमनीफेरम, ये मल्टी कार्पिलरी है. इसमें जो कार्पेल्स है मेनी कार्पेल्स है. और जो कार्पेल की क्या खासियत है? ये कार्पेल फ्यूज्ड है, फ्री नहीं है, फ्यूज्ड है. ऑल ऑफ यू गेटिंग? तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड सिनकार्पस ओहरी. सिनकार्पस यानी कार्पेल फ्यूज्ड है या फ्री है? कार्पेल अगर फ्यूज्ड है तो उसको सिनकार्पस ओहरी कहते हैं. और इसका एग्जाम्पल है पैपावेर सोमनीफेरम. ऑलरेडी द कार्पेल इज मेनी, मल्टी कार्पिलरी कंडीशन है, लेकिन उसमें सिन कार्पस है. ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑल ऑफ यू गॉट? तो अभी इसके अपोजिट क्या होगा? ये जो कार्पेल है फ्री भी हो सकता है. तो हम देखेंगे फ्री कैसे हो सकता है. देखिए इधर ये जो कार्पेल है वी आर गेटिंग फ्री, दैट इज नॉट फ्यूज्ड. यहाँ फ्री दिख रहे हैं, करेक्ट? तो कार्पेल कैसा दिख रहा है इधर? फ्री दिख रहा है. तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम? अपोकार्पस. सिनकार्पस में कार्पेल कैसे थे? फ्यूज थे. तो इस कंडीशन में जो कार्पेल है ये फ्री है, फ्री दिख रहे हैं ना, इसे पैक नहीं है. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ विच? माइकेलिया प्लांट, MICHELIA. दिस इज द प्लांट माइकेलिया. दिस इज द एग्जांपल अपोकार्पस गाइनोसियम और मल्टीकार्पोरी. कार्पेल में नहीं है लेकिन कैसे? वो फ्री है. तो दोनों का डिफरेंस समझ में आपको? अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो ओह्यूल है दैट इज द मेन पार्ट. इनसाइड दैट द फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन हैपन्स. इन द नेक्स्ट क्लासेस वी हैव टू सी दैट व्हाट एक्चुअली द डबल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. दैट दैट इज द मेन पार्ट, दैट ओह्यूल. एंड इन बायोलॉजिकल नेम ऑफ ओव्यूल आपको पूछ सकते हैं. वायवा में भी पूछते हैं, पिछली बार पूछा था.
व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ ओहुल? मेगास्पोरेंजियम। ओहुल का बायोलॉजिकल नेम क्या है? मेगास्पोरेंजियम। और इसमें मेगास्पोरेंजियम में क्या बनता है? मेगास्पोर बनता है। तो मेगास्पोर कैसे बनता है इन द नेक्स्ट डायग्राम्स वी हैव टू सी दैट, बट एट फर्स्ट सी दिस ओहुल। ये किसका स्ट्रक्चर है? ये ओहुल का स्ट्रक्चर है। ये ओहुल कहाँ रहता है समझ में आ रहा है ना? पहले हमने जो डायग्राम देखी थी स्टिग्मा स्टाइल ओहरी, तो ओहरी के अंदर क्या है? ओहुल है। ओहरी के अंदर ओहुल है। और देखिए ओहुल जब हम देखते हैं तो ओहुल को प्रोटेक्टिव कवरिंग है। ये आउटर इंट्यूगमेंट है और ये इनर इंट्यूगमेंट, अलग अलग कलर से मैंने ड्रॉ किया है। ये रेड कलर है, ये अलग कलर है, करेक्ट? ये आउटर इंट्यूगमेंट है और ये इनर इंट्यूगमेंट, ये दोनों क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं एम्ब्रियो सैक को। ये एम्ब्रियो सैक है और एम्ब्रियो सैक और ये आउटर इंट्यूगमेंट और इनर इंट्यूगमेंट, इसके बीच में जो पार्ट है, न्यूट्रिशियस पार्ट है, उसको क्या कहते हैं? न्यूसेलस। व्हाट इज दैट कॉल्ड? न्यूसेलस। और इधर भी आप देख रहे हैं, इधर थोड़ा सा ओपनिंग है, इसको माइक्रोपाइल कहते हैं। और व्हाट एवर द पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन देखे ना हमने प्रैक्टिकल में, तो पोलन ग्रेन को ज्यादा देर तक रखे तो उससे क्या निकलता है? जर्म पोर से पोलन ट्यूब निकलता है बाहर। और वो पोलन ट्यूब जब स्टिग्मा पे फॉल होता है पोलन ग्रेन, तो पोलन ट्यूब इंक्रीज होते हुए कहां से एंट्री करता है? ओहुल में माइक्रोपाइल से एंट्री करता है, यहां से पोलन ट्यूब एंट्री करता है और बाद में दो मेल गैमेट एम्ब्रियो सैक में जाके फर्टिलाइजेशन करते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये माइक्रोपाइल एंड समझ में आया? ये माइक्रोपाइल एंड पे आप देख रहे हैं ये आउटर इंट्यूगमेंट या इनर इंट्यूगमेंट रहेंगे क्या उसमें? नहीं। और इधर जो पार्ट दिख रहा है फुनिकल, दिस इज द पार्ट ऑफ द ओहुल दैट अटैचेस टू प्लेसेंटा। ओहरी में क्या रहता है? ओहरी के अंदर प्लेसेंटा रहता है और प्लेसेंटा को जुड़ा हुआ रहता है ओहुल, किसके जरिए? फुनिकल के जरिए। समझ में आ रहा है ना आपको? फुनिकल के जरिए ये ओहुल किसको अटैच रहता है? प्लेसेंटा को अटैच रहता है। और यहाँ जो हिलम नाम का पार्ट दिख रहा है, दिस इज द जॉइनिंग बिटवीन ये फुनिकल पार्ट और ये ओहुल, ये दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? हिलम करता है। ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? और ये न्यूसेलस जो है, न्यूसेलस इसमें ही कुछ पर्टिकुलर सेल रहते हैं, MMC मेगास्पोर मदर सेल। हमने पहले मेल गैमेट में वहां कौन से थे? माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो इधर कौन से है? मेगास्पोर मदर सेल। दिस अंडरगो मियोटिक डिवीजन एंड फॉर्म द मेगास्पोर। और यही मेगास्पोर जो है उससे बनता है एम्ब्रियो सैक। तो हम देखेंगे नेक्स्ट एम्ब्रियो सैक जो है उसके बारे में कैसे बनता है ये देखेंगे। ऑल ऑफ यू गॉट दिस ओव्यूल? ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट अभी देखिए, पार्ट ऑफ द ओव्यूल शोइंग लार्ज मेगास्पोर मदर सेल। ये ओव्यूल का पार्ट है न्यूसेलस का और इसमें शुरू में एक लार्ज मेगास्पोर मदर सेल है, MMC लार्ज मेगास्पोर मदर सेल। उसका माइटोटिक डिवीजन होता है, तो एक सेल से कितने सेल बनेंगे? एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनेंगे और दो न्यूक्लियस से कितने? चार। टेट्रार फॉर्म हुआ, इधर लार्ज MMC डायड और बाद में टेट्रार। समझ में आ रहा नहीं है? बुक में आप देखेंगे आप कंफ्यूज में हो जाएंगे, यहां आपको क्लियर समझ में आता है। माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, 1 इज कन्वर्टेड इनटू 2 एंड 2 इज कन्वर्टेड इनटू 4, डायड टेट्रार, डायड यानी 2, टेट्रार यानी 4। समझ में आ रहा आपको? तो ये चार जो मेगास्पोर मदर सेल बन गए, इसमें से तीन मैक्सिमम डीजनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक ही रहता है, उसको फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं। और उस फंक्शनल मेगास्पोर से ही पूरा खेल चलता है। कौन सा? हम देखेंगे। तो ये जो फंक्शनल मेगास्पोर एक रहता है ना, वो डिवाइड होता है और उससे दो बनते हैं। ऑल ऑफ यू गेटिंग? एक ही रहा है तो एक फंक्शनल मेगास्पोर के कितने हो गए? दो। दो का न्यूक्लियर डिवीजन होता है, दो से कितने बने? चार। और ये और चार का डिवीजन होता है, कितने बने? आठ। ऑल ऑफ यू गेटिंग? ये डायग्राम है 2, 4, and 8 न्यूक्लियर स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो सैक एंड अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या हो रहा है? एम्ब्रियो सैक कैसे बन रहा है? कैसे? एक ही फंक्शनल मेगास्पोर था, मालूम है आपको? तो एक से कितने हो गए? दो। और बाकी के तीन तो डिजेनरेट हो गए, बताया ना मैंने, दो से चार, चार से आठ हो गए। तो ये आठ का खेल देखिए अभी, ये आठ जो है ना न्यूक्लियस, ऑल ऑफ यू गेटिंग? इसमें से दो जो है सेंटर में आ जाते हैं, सेंट्रल सेल। ऑल ऑफ यू गेटिंग? तो यहां कितने रहे फिर? ऊपर तीन ही रहे,
और ये डाउन साइड में भी कितने रहे, तीन ही रहे। तो जो अपर साइड में जो रहते उनको सिनर्जिड कहते हैं, ओके, और लोअर साइड के एंटीपोडल। समझ में आया आपको? तो ये सिनर्जिड सेल दो और एक सेल, तीन, यहां तीन और यहां एंटीपोडल सेल तीन। समझ में आया सबको? और सेंटर में दो। तो अभी हम नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं मैच्योर एम्ब्रियो सैक का। देखिए मैच्योर एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक मैच्योर हो गया है और वेरी सिंपल, उसमें दो एंड है। इसको चलाजल एंड कहते हैं अपर एंड को, और ये एंड को माइक्रोपाइलर एंड। तो देखिए सेंटर से शुरू करेंगे। सेंटर में कितने सेल रहते हैं? दो सेल, और उसमें न्यूक्लियस भी कितने रहते हैं? दो रहते हैं, अलाफिगेटिंग। और यह एंटीपोडल है, यहाँ कितने सेल है? तीन सेल है। और हियर वी सी सिनर्जिड सेल, दो सिनर्जिड सेल है और एक सेल है। ये दो क्या है? सिनर्जिड सेल है और एक सेल है। तो तीनों में भी क्या है? न्यूक्लियस है। सिनर्जिड सेल में दो न्यूक्लियस है और एक सेल में एक न्यूक्लियस है। तो तीन न्यूक्लियस, समझ में आया आपको? हाँ। और ये जो सिनर्जिड सेल है उसमें एक थोड़ा सा एपरेटस स्ट्रक्चर, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, उसको फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। और साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा पता लगाया है कि ये फिलीफॉर्म एपरेटस से ही पर्टिकुलर केमिकल सीक्रेट होता है, और उस केमिकल के डायरेक्शन से पोलन ग्रेन माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री करता है। पोलन ट्यूब, पोलन ग्रेन से जो पोलन ट्यूब बनता है वो कहाँ से एंट्री करता है? माइक्रोपाइलर एंड। तो उसको डायरेक्शन देने का काम कौन करता है? फिलीफॉर्म ऑपरेटस से जो केमिकल सीक्रेट होते हैं। तो इन दिस वे वी हैव सीन दिस एम्ब्रियो सैक ऑल्सो। समझ में आ रहा आपको एम्ब्रियो सैक? तो अभी बताइए मुझे, आपको पूछते हैं कि एम्ब्रियो सैक में टोटल सेल कितने हैं और टोटल न्यूक्लियस कितने हैं। तो देखिए ये एक ही सेल है सेंट्रल सेल, और उसमें न्यूक्लियस कितने हैं? दो। तो बताइए मुझे इसमें टोटल सेल कितने हो रहे हैं और न्यूक्लियस कितने हो रहे हैं? न्यूक्लियस तो आठ है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, मेरे कलर से पता चल रहा है आपको। और सेल कितने रहते हैं? सात ही रहते हैं, क्योंकि ये जो सेंट्रल सेल है उसमें दो न्यूक्लियस है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हमेशा ध्यान में रखो, ये बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछते हैं, नीट के उससे भी, करेक्ट। तो दिस इज अबाउट द मैच्योर एम्ब्रियो सैक। तो इस प्रकार से हमने आज फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में देखा है। तो ऑल ऑफ यू गॉट? तो व्हाट वी हैव सीन इन दिस, ठीक है ना? व्हाट वी हैव सीन इन दिस, शुरू में क्या देखा हमने? पिस्टिल का स्ट्रक्चर देखा, उसमें तीन पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो स्टिग्मा के बारे में आपको मालूम है, वो प्लेटफॉर्म है पोलन ग्रेन का, स्टाइल ट्यूब है, और ओवरी के अंदर ओव्यूल रहते हैं, और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक, ओव्यूल का स्ट्रक्चर भी हमने देखा है। और एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है ये भी प्रोसेस समझ में आया आपको? एक फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल, एक फंक्शनल न्यूक्लियस, उससे दो होते हैं, दो से चार, चार से आठ, बाद में तीन अपर साइड, तीन लोअर साइड, बीच में सेंट्रल सेल में दो। तो एंटीपोडल सेल कैसे फॉर्म हो रहे हैं, फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स, ये सब स्ट्रक्चर समझ में आ रहा आपको? दिस इज अबाउट दी फीमेल गैमेटोफाइट एंड ओवरऑल पिस्टिल। ऑल ऑफ यू गॉट दिस? सो ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर नोटबुक एंड राइट द पॉइंट्स। Thank you.